all you left me was a radio. And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग आ गए हैं एक दिन फिर नए ब्लॉग के साथ, और आपको संडीला के अंदर एक बहुत ही अच्छा लॉन्च देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द, जो कि अभी ओपन हुआ है बहुत ही जल्द। इसका जो उद्घाटन है नरेश अग्रवाल जी ने किया था, तो वो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कितना ही गजब का बना है, आपको देख के मज़ा आए। तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, ये लॉन्च जो है आपको संडीला से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा फैक्ट्री के आगे। जो लोग संडीला के प्रॉपर के हैं वो जानते होंगे, संडीला फैक्ट्री से 5-6 किलोमीटर आगे जो पेप्सी फैक्ट्री पड़ती है, जस्ट उसके 500 मीटर आगे है। और ये देखिए, हम लोग डायमंड हवेली आ गए हैं। आप सभी का डायमंड हवेली में बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम टू डायमंड हवेली। और आप इसके पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ गांव की याद आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने गांव टाइप का बना रखा है, बहुत ही प्यारा सा, सब मिट्टी से पुता हुआ है। यहाँ पे आपको छोटी सी खाड़ मिल जाएगी, ये लोकेशन देख सकते हैं। ये गर्मियों में काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, अभी विंटर है तो यहाँ पे काम चल रहा है। बाकी इनका चूल्हा भी सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है, आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अभी इनका काम यहाँ पे इधर चल रहा है, इसमें रूम वगैरह हैं, रूम वगैरह दिए जाएंगे रेंट पे, आप आ सकते हैं। और इसका 1 जनवरी को फिर से रीओपनिंग होगी, जो कि यहाँ पे बहुत ही न्यू ईयर पे पार्टी रखी जाएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आइएगा दोस्तों, और पार्टी मनाने भी ज़रूर आइए यहाँ पे। ये देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, डायमंड हवेली के डाइनिंग एरिया में चलते हैं, देख सकते हैं अंदर का कितना ही ज़बरदस्त बना रखा है उन्होंने। और काफ़ी गर्म है बाहर तो, बहुत ज़्यादा ठंड है, और बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लॉन्च होगा एरिया का, और आप यहाँ पर विजिट जरूर करें। अब हम खाने के लिए ऑर्डर करते हैं दोस्तों। ये एरिया जो है ये सिर्फ वेजिटेबल के लिए है, और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए पीछे है, हम लोग पीछे चलते हैं। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में आपको खाने को मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा इनका रूल है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया कि वेजिटेबल्स के लिए अलग है और नॉन वेजिटेबल्स के लिए अलग है। तो चलिए खाना ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो है यहाँ पर वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल ही लोग खा सकते हैं, और जो उधर दिखाया था मुझे वेजिटेबल, यानी कि वेज नॉन वेज अलग अलग है। ये बहुत ही अच्छा है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, जो खाता हो वो वहाँ पे खाए। क्या बोलते हो ना, हाफ में 4 तो है, फुल में 8 है। एक चिकन हांडी कर दी हाफ जी, एक मटन हांडी, हाँ दोनों कर दी। और रोटी में तंदूर से तंदूरी रोटी है, बटर नान है, लच्छा पराठे हैं। लच्छा पराठा दे दीजिएगा, कितनी देते हैं? एक में दो करके देते हैं, आधी आधी 4 भी दे दीजिएगा, 4 लच्छा पराठे, 3 लच्छा पराठा दे दीजिएगा, 3 लच्छा, 3 जो है बटर नान दे दीजिएगा, 3 बटर। देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिट्टी का ही मिलेगा, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी का कुल्हड़, और शायद मिट्टी ही के ही बर्तन में हमको खाना भी मिलने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा डाइनिंग टेबल सज गया है, वो भी मिट्टी के बर्तनों से, कितना ही लजीज दिख रहा है। और खा के बताएंगे आपको कि कैसा इसका टेस्ट है, उम्मीद तो यही कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। और इधर हमारे भाई लोग भी खा रहे हैं, ये भी भाई कैसा है, मज़ा आ रहा खाने में? नहीं, एक नंबर है, तो दोबारा आने वाला है यहाँ बिल्कुल। ये देख सकते हैं अभी से रिव्यू मिलने लगे हैं। आप इसको कितने स्टार देंगे भाई? 10 के 10 देंगे भाई। चलिए अब हम लोग भी अपना खाना शुरू करते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों, खाना हमने चालू कर दिया है, और कैसा टेस्ट है भाई? हो बहुत नंबर, एक नंबर, क्या कह रहे हैं। और इस बर्तन में खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये लीजिए सर, आपको बाउल जो है मिट्टी के मिल जाएंगे बहुत ही गजब के, और क्या कहने हैं खाने के, बाकी खाने में मज़ा आने वाला है। मटन है, जो मटन और चिकन के शौकीन हैं वो ज़रूर आएँ, बाकी जो वेजिटेरियन हैं वो भी आएँ, क्योंकि इनकी जब ये डिश इतनी अच्छी है तो वो भी बहुत ही गजब की होगी। तो हम भी खाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला बरकतुल्लाह। ज़बरदस्त, एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। बस क्वालिटी जो है हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ
ना इससे घटाएंगे ना इससे बढ़ाएंगे। जी 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 सीधे और भी जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको यहाँ पे जो है चिकन जो मटन जो मिलेगा सब हलाल मिलेगा, ठीक है? बेफिक्र होकर आइए खाइए। उनका ये रीजन है कि जैसे कि आपने पहले ऑर्डर दिया सपोज दे कि दो फुल पोर्शन दे दिया, ठीक है, उन्होंने उतने क्वांटिटी को रेडी कर दिया जैसे भी किया, लेकिन आपको फिर जरूरत पड़ा। बोलिए बोलिए बोलिए। आप जब सेकंड बार में लिया तो हमने ऑर्डर दिया किचन में, तो वो ऑर्डर में बनाने में रेसिपी में वो क्योंकि हमको रनिंग में चाहिए जी, तो वो अपना घूंट घाट के जैसे देना था दे दिया। और लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, बेस्ट क्वालिटी के लिए टाइम भी दिए थोड़ा सा। कैपेसिटी 25 लोगों को लेके चलते हैं जी। ये हमने दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लच्छा पराठा है बहुत ही गजब का गर्मा गर्म, 25 लोगों का एक बार में फिट किया हुआ। जी तो 25 आदमी कितना खा सकते हैं वो हमको अंदाजा है। 4 किलो 5 किलो 6 किलो बस यही क्वालिटी है, बस यही है बनाने की रेसिपी, यही क्वालिटी। दोस्तों आपने सुना अब इसको इतनी जबरदस्त इसलिए 25 के बजाय मेथड हमारा वही रहेगा जी। इनका नाम है सुनील गुप्ता, सुनील गुप्ता जी, बहुत जबरदस्त बनाया, मजा आ गया, हमेशा ऐसे ही मिलेगा ना। देसी हंडी का है प्योर, कोई ग्रेवी नहीं कोई मसाला नहीं, प्योर देसी हंडी में है, मटकले हंडी में है, पूरा देसी बहुत ही लजीज बना, सारा मसाला खड़ा यूज किया। हां सारा काम मजा, सारा खड़ा मसाला यूज है इसमें, भी और लजीज है भाई। जो खाने का टेस्ट जो मिट्टी के प्यालों में आ जाता ना, तो के नहीं नहीं है इतना। क्या बोलते भाई, मिट्टी के प्यालों का मजा अलग ही नहीं देते, मजा ही अलग है। जी 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 जी। ऑर्डर क्या करना है और डिसाइड कर लो, और फिर भाई को ऑर्डर कर देखो बाकी कोड़े निकाला। देख सकते हैं इनके मसाले में जो है पूरा खड़ा लहसुन पड़ा हुआ है, आपको मजा आ जाएगा भाई, प्यारे खाइए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चूस सकते हैं इसको। चलने लहसुन फायदे हो, वैसे भी सर्दी चल रही है, विंटर वेकेशन चल रहा है, तो मजा तो आया यार। देख सकते हैं ये हमारे यहाँ के शेफ है, क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार गुप्ता। बहुत ही जबरदस्त खाना इन्होंने बनाया है, देख सकते हैं सारी जितने ये सब बर्तन है सारे इन्होंने खाली कर दिए हैं। इसका नाम बता दो, इसका क्या क्या नाम है? चिकन हांडी है, मटन हांडी, चिकन हांडी मटन हांडी, और ये पेवर जो है खड़े मसाले से बना हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं जब आप खाना खा चुके हैं लास्ट में आपको यहाँ पे देसी क्लासिक स्टाइल में गुड़ भी मिल जाएगा खाने के लिए, बाकी ये सब चीज़ें तो आपको हर होटल में मिलती होगी पर गुड़ नहीं मिलता होगा, तो यहाँ पे विजिट जरूर करें एक बार। देख सकते हैं दोस्तों ये पार्टी हॉल बन रहा है इनका, अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है, यहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन शादी वगैरह में भी आप इसको बुक कर सकते हैं। इसी के ऊपर 3 रूम इन्होंने बना रखे हैं बहुत बड़े बड़े से, अभी हम ऊपर भी चलते हैं, अभी दिखाते हैं चल के। हाँ तो देखिए आपने हमारी डायमंड हवेली, और ये सब हमारे साथी आए हैं खाना खाने के लिए, ये कुछ थोड़ा सा लेट हो गए, इनको हम खाली चाय पिलाएंगे हमारे भाइयों को। मज़ा आया नहीं मज़ा, क्योंकि ये लखनऊ से लेट हो गए आने में, तो हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर। ऊपर बन अभी फ़िलहाल सब काम इनका चल ही रहा है, वर्क प्रोग्रेस पे है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगा। ये बन गया, यहाँ पीछे का एरिया है, यहाँ पे भी बस जहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ की टॉर्च की रोशनी जा रही है, यहाँ पे 22 कमरे बनेंगे और स्विमिंग पूल बनेगा इधर ही इसी एरिया में, और ये सब देख सकते हैं सब काम चल ही रहा है। ये रूम है, रूम में चलते हैं, फिलहाल रूम के अभी तैयार नहीं है फिलहाल, और अटैच लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं आएँगे स्टे भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ का क्या है, ऊपर 4 रूम हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वर्क भी चल रहा है, काफ़ी बहुत बढ़िया है, और ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है देख सकते हैं यहाँ हवेली का, कितना ही शानदार दिख रहा है आपको, देख सकते हैं, और लग भी रहा है क्योंकि जिस टाइप से इन्होंने बना रखा है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ कोई हवेली का ही है, और पूरा देसी स्टाइल है, और सामने हाईवे गया हुआ है लखनऊ टू दिल्ली। तो दोस्तों आपने देखा, ये देखिए सामने टेरेस दिखाई दे रही है यहाँ की,
और आने वाले टाइम पे भी इसका रेंट भी बता दिया जाएगा कि इन रूम का रेंट क्या है। और ये देखिए सबसे पीछे का रास्ता है, फिलहाल काम इनका चल ही रहा है। ये मैं पहले ही से मुझे इनकी कॉल आई थी भाई यहाँ का आके आप ब्लॉग डालिए ब्लॉग बनाइए, तो मैं आया यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये सब हमारे भाई नेपाल के हैं, कुछ वेस्ट नॉर्थ इंडियन है। ये देख सकते हैं यहाँ का ये सब रेसिपी है, और हमारी चाय आ गई है। आने वाले टाइम पे आपको यहाँ का रेंट भी पता चल जाएगा कि रूम का रेंट क्या है। और हमारी चाय आ गई है कुल्हड़ के साथ, आप देख सकते हैं। चाय पी के बताएं चाय का टेस्ट कैसा है। और ठाकुर साहब हवेली के, हवेली के ठाकुर कैसे हैं आप? ठीक है। और वो झूला लगा हुआ है बैठने के लिए आराम से, और काफी गजब का है। आइए दोस्तों चाय पीते हैं, मुबारक हो। क्या हुआ नस भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हैं यार आप? ठंड हो रही है मजेदार? नहीं चाय भी बहुत लाजवाब है, इलायची के साथ में मिल जाएगी आपको चाय। और अंदर का देख सकते हैं, अंदर की डेकोरेशन कितनी गजब की कर रखी है। शादी पार्टी में मजा आ जाएगा, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए इंजॉय करें। मतलब ठीक थी चाय, चाय थी बढ़िया थी। हाँ चाय तो बाकी खाना बहुत अच्छा था ना भाई, अभी आपको खाना खिलाते चल के जी। और हमारा बिल भी आ गया है, मैं बिल देखते हैं अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। मात्र 860 रुपये का देख सकते हैं, शायद दिख रहा हो आपको। ठीक है चल सर चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे आप सब लोग। और ये डायमंड हवेली यहाँ का कार्ड है, और यहाँ पे आइए आप लोग। 30/12 को ग्रैंड ओपनिंग है फिर से। सर क्या कहेंगे अपने आप अपने होटल के बारे में, डायमंड हवेली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं लोग अब हमारे व्यूवर से क्या कहेंगे, अपने कस्टमर को बुलाएंगे कैसे बुलाएंगे? आप मतलब आप लोग खुद कहेंगे क्या है टेस्ट क्या है क्या? जी जी हमको तो बहुत मजा आया, खाना बहुत अच्छा है आपका, बस ऐसे ही रखिएगा और अच्छे से सबकी खातिरदारी हो, मजा आ जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे टेस्ट मिलेगा। ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डायमंड हवेली बहुत ही पसंद आई होगी, तो हम लोग आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जब। तो दोस्तों हम आज का ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये डायमंड हवेली है। और आप 31/30 को आएँ, यहाँ पे रीओपनिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, देख सकते हैं पीछे। और ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक।